तुम्हारे बेटे को बर्गर खाना था तो मैंने कहा चलो ले देती हूँ। क्या जरूरत थी आप ही, मैं खुद बना देती, खाम खाए आपने पैसे खर्च किए। अरे क्यों, तुम क्यों खुद को थकाती, खाला है ना। वैसे आप ही, आप शामी के लिए बहुत कुछ करती हैं। तुम्हें तो पता है ना कि इनाम तुम लोगों का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि जो चीज बंटी के लिए लो वही शामी के लिए लो, दोनों में फर्क नहीं करते। अरे इसकी ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे काम भी करने हैं, ठीक है, ठीक है अभी। आओ चलो चलो चलो, ओके, खाला को बाय बोलो। हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? कहाँ हो फायजा, कितनी देर से तुम्हें मैं फोन मिला रही हूँ। ये नहीं होता तुमसे कि एक माँ को फोन ही कर लो। साइमा तुम्हारी तरफ तो नहीं आई थी? जी अम्मी, अभी शामी को छोड़ने आई थी, अभी वापस निकल गई हैं। आपको तो पता है अम्मी, एक के बाद एक काम है, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रही हो फायजा, सफाई के लिए, कपड़े धोने धुलाने के लिए कोई मुलाजमा रख लो ना। जी अम्मी रख लूंगी। कब रखोगी? आसिम तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, मुलाजमा बना के रखा हुआ है तुम्हें। इनाम ने तो साइमा को तीन तीन नौकरानियां रख के दी हुई हैं, वो तो घर में आराम से बैठी रहती है, उसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। जी अम्मी, अल्लाह आप ही का सुख कैसे ही कायम रखे। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक है, बस मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि इनाम ने मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सेट दिलाया। तुम देखोगी ना तो देखती रह जाओगी, इतना ख्याल रखता है इनाम मेरा कि सगे बेटे भी नहीं रखेंगे किसी का ख्याल। घर में मिलाद करवा रही हूँ, उसी में पहनूंगी, आ जाना, समझ गई, और अच्छे कपड़े पहनकर आना। मुबारक हो अम्मी, आप ही ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अब इस तरह तो मुबारकबाद नहीं लूंगी मैं तुमसे, वरना इनाम को बहुत गिला होगा। सब लोग आएंगे, उनके सामने आना और अच्छे कपड़े पहनकर आना, फिर मुबारकबाद देना तो मजा आएगा। ठीक है अम्मी, मैं आसिम से बात करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और सुनो, इनाम ने मेरे लिए नए कपड़े भी बनवाए। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं अम्मी कब तक इनाम भाई के गुण गाती रहेंगी। हाँ फायजा, सुनाई अम्मी ने खुशखबरी? जी आपी, माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि आपको इनाम भाई जैसे शौहर मिला। बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, दावत पे जरूर आना, मेरे सारे ससुराल वाले आ रहे हैं, ठीक है? जी आपी, मैं जरूर आऊंगी, बस उसी के लिए सोच रही थी कि क्या पहनूंगी, मेरे पास तो एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। सीजन के आगाज में आसिम ने मुझे कुछ जोड़े बनवा कर दिए थे, लेकिन मजाल के उसके बाद उनको कोई तौफीक हुई कि मुझे कोई जोड़ा ही बनवा दे। इनाम भाई कितने अच्छे हैं ना, अम्मा बता रही थी कि आपको नए जोड़े बनवा कर दिए। शौहर हो तो इनाम भाई जैसा, अम्मी बता रही थी कि उनको गोल्ड का सेट भी लेकर दिया है। और एक आसिम है, सेट तो दूर की बात है, एक छल्ला तक ना बनवा के दे मुझे। मैं तो कहती हूँ इनाम भाई दिल खोल कर खर्च करते हैं सब पर। और एक आसिम है, शॉपिंग का नाम ले लो ना तो इनका मूड बिगड़ जाता है। बस शुक्र है अल्लाह का, पता है नाम तो मुझे हर वक्त फोर्स करते रहते हैं कि बाहर जाओ, जाके कुछ ले आओ, शॉपिंग कर लो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मैं ही कभी फोर्स नहीं करती उन्हें। माशाल्लाह आपी, आपकी किस्मत पर तो रश्क आता है। अम्मा तो मुझे कह रही थी दिन रात अकेली काम करती रहती हो, कोई मेड ही रख लो। लेकिन आपको तो आसिम का पता है, पता नहीं मेरा भी किस कंजूस मक्खी चूस से पाला पड़ा है। तो तुम कोई मेड रख लो ना। अच्छा रुको, मैं अपनी मासी को तुम्हारे घर भेज देती हूँ सुबह से शाम तक के लिए, ठीक है? नहीं आपी, आपको तो पता है आसिम कितने खुददार हैं, कभी भी मुझे इजाज़त ना दे, अम्मी ने तो कई बार कहा है। हाँ हाँ पता है आसिम भाई का, खुद भी परेशान होंगे और बीवी बच्चों को भी परेशान करेंगे। अच्छा खैर छोड़, चलो फिर दावत पर मुलाकात होती है। ओके अल्लाह हाफिज़। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चैंपियन, कैसे हो और क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे या गेम खेल रहे थे? दोनों। अच्छा तुम्हारी मामा कहाँ हैं? वो किचन में। अच्छा, तुम इतने तैयार होके क्यों घूम रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी है?
नानी की कॉल आई थी, वहीं जाना है हम लोग। मामा से कहो मुझे पानी पिलाएं। अब फिर उनके दामाद की बड़ाइयां सुननी पड़ेंगी। सासू माँ शुरू होती हैं तो खत्म ही नहीं होती तारीफों में। आसिम आप आ गए, जल्दी से तैयार हो जाए, अम्मी की तरफ जाना है। हाँ तुम शामी के साथ चली जाओ ना। आसिम यार बहुत थका हुआ और आज तो बहुत ही थका हुआ, पता है बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। आसिम अम्मी ने इतने इसरार से बुलाया हम दोनों को, तो हम बाद में भी तो जा सकते ना, आज ही जाना जरूरी है क्या? पता है मुझे मेरी अम्मी की तरफ जाने का सुनकर ही आपका मूड खराब हो जाता है, सौ सौ बहाने होते हैं आपके पास। एक मैं ही हूँ जो आपके दूर नजदीक सब रिश्तेदारों से इतने इखलास से पेश आती हूँ। ऐसी बात नहीं है फायजा, मैं ऐसा ही है आसिम। कभी जो आप खुशी खुशी मेरी अम्मी की तरफ गए हो, हमेशा बहाने ही बनाते हैं। इनाम भाई को देखें, सबसे कितनी मोहब्बत से मिलते हैं, और एक आप हैं, आपके तो नखरे खत्म नहीं होते। अच्छा बाबा अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो, और प्लीज अपने ये इनाम भाई के ना डंके बजाना बंद कर। चलो भाई मैं तैयार हूँ। आसिम ऐसे जाएंगे बाप? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आसिम मेरे घर वालों के सामने कुछ तो मेरी इज्जत रहने दे। अच्छा मैंने ना हम दोनों के लिए मैचिंग कपड़े निकाले हैं, आप जाएं, आप जाके तैयार हो के जाएं, 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 आसिम जाएं। और अम्मी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है, ये क्या ड्रेसिंग की हुई है, तुम्हें पता नहीं है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, क्या कहेंगे कि एक बेटी ने तो इतना शानदार जोड़ा पहना हुआ और दूसरी ने लॉन का जोड़ा, वो भी 1000 रुपए वाला। ठीक से ड्रेसिंग नहीं कर सकती थी? जाओ जाकर मेरे कमरे से कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लो, इनाम हमारे लिए बहुत सारे जोड़े लेकर आया। नहीं अम्मी जो है बस यही ठीक है। क्या करते हो आसिम, इसको ढंग के 2-4 जोड़े ही नहीं दिलवा सकते तुम? तुम्हारा और इनाम का लोग कंपैरिजन करते हैं। रहने ही दे अम्मी, आप भी किसे समझा रही हैं? तुम देख रही हो ना मुझे, मैं अपना खुद ख्याल रखती हूँ। हाँ जी सलाम जनाब अली, कैसे हैं? वॉच नहीं पहनी हुई हैं? चल कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास जनाब अली, वही ईद का चांद हो गए आप लोग तो हैं, नजर ही नहीं आते। जी वो बस मसरूफियत ही ऐसी है कि टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी चन जैसी बीवी दी है अल्लाह ने, ये अम्मी जैसी सास दी है, फिर भी वक्त निकालते हैं हम, वक्त निकालना पड़ता है अपनों के लिए। चलो कोई नहीं अम्मी जान, बच्चों को सेट ला के दिखाएं, वो वाला कुछ ला के दिया है नया। आप दोनों ने गैस करना है भाई कितने का है, बुझवाते हैं जरा, मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा गैस पहना नहीं ना इन्होंने। बेगम साहब आप भी दिखा दें, आपको भी दिलाया है, अभी लेके आती हूँ। हाँ जी बिस्मिल, हाँ हाँ जाओ जाओ लेकर आओ। क्या क्या नहीं जान, बच्चों को बताएं जरा, आपको प्लाट भी दिला रहे हैं हम। हाँ मैं तो भूल ही गई, सच वाकई अम्मी? और क्या, और बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाली है। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। आजम साहब यार मैं कह रहा हूँ आप भी कोई अच्छी जगह देखो, प्लाट प्लाट दिला देता हूँ, मैं जानने वाले बड़े मेरे। भाई काके इधर खाओ ये, पेस्ट्री पेस्ट्री दो भाई, लो ना, ये बड़ी बेहतरीन पेस्ट्री है, महंगी कराची की सबसे, खाओ खाओ, वाली चाय से डिनर ना भर लेना। लो हाँ चलते। अरे क्यों जा रहे हो तुम लोग, मेहमान आने वाले हैं, खाना खाकर जाना, उनसे मिलकर जाना है तुम लोगों ने। आंटी असल में ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, जाना है। ओए यार इधर इतनी बढ़िया डिशेस बनी है, वंशु ने खाने बने हैं, भाई भाभी आ रहे ना मेरे, उनके लिए जरा खा जो, इधर ही खा जो खाना, घर जाके भी वही दाल रोटी खानी है। हम नहीं रुक सकते,
मैं तुम्हारा बाहर वेट कर, आ जाओ। आसिम क्या हो? बच्चे को नए बूट लाओ यार। बाबा ये बंटी है ना, मुझे अपने टॉयज दिखा के चलाते हैं। मेरे पास इतने सारे खिलौने कब आएंगे? अपने बेटे को मैं बहुत सारे खिलौने दिलाऊंगा, इसमें जलने की बात थोड़ी है, खुश होते हैं दूसरों की चीजें देख के। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से वापस जाते हुए ना हम आइसक्रीम खाते हैं। ये मैं चलती हूँ। अच्छा यार बच्चे, इसको अपने शौहर को ख्याल रखे तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम लोगों के साथ रह रही होती ऐसे ठाठ नहीं होते अम्मी के, ताएं उनको। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए बस, लेट होगी तुम नाराज होगे। चल खाना सब तैयार है ना? हाँ। अगर दिल नहीं भरा तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। आराम से टूट जाएंगी। हाँ अब आपको फिक्र होगी कि दोबारा खरीद कर देनी पड़ेगी। वैसे स्टील की ही नहीं टूटेंगी। जब मूड ही खराब करना होता है तो वहां क्यों जाती हो? क्योंकि वहां इनाम भाई और आपी के अलावा मेरी माँ भी रहती है। उनको उनके दामाद ने बेटों से भी अच्छा रखा हुआ। आप भी तो उनके दामाद है ना, क्या किया है आपने? मासी बनाकर रखा हुआ, कोई परवाह नहीं है मेरी। सही कहती है अम्मी। ऐसी बात नहीं है फायजा, मोहब्बत जताई नहीं जाती। और मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि जब तुम्हारे इनाम भाई तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो इसका इतना ढंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं कि इनाम भाई झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं? मुझे तो दिखावा ही लगता है। हाँ आपको तो ऐसा ही लगेगा। आपने कभी ऐसी मोहब्बत की हो तो आपको पता होना। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ अभी बना के लाऊंगा। आसिम आज अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि वीकेंड पर आ जाओ। चलिए जाना। मुझे नहीं बुलाया, हम सबको बुलाया। क्या बात है आसिम, किन सोचों में गुम है? यार फायजा आज मैंने इनाम भाई को देखा। तो इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत की बात यह है कि वो अकेले नहीं थे। यकीनन आप ही साथ होंगी, किसी बड़े से मॉल से शॉपिंग करके आ रहे होंगे। उनको किस चीज की कमी है, वो तो रोज रोज भी जा सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रही हो? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम वहां की बात कर रही हो? अच्छा छोड़े ना आसिम, हम भी आउटिंग पर चलते हैं।
मैं तैयार हो जाऊं? हो जाओ। ठीक है, आप भी मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं शामी को तैयार कर देती हूँ, फिर हम चलते हैं। शामी, मुझे फायजा को बताना होगा कि इनाम साहब वैसे तो बीबी की मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते, लेकिन ये हकीकत है उनकी। ये लड़का कैसा है ऐमन के लिए? ठीक है आप ही, मगर मगर क्या? इनाम बता रहे थे कि बहुत अमीर लड़का है, उनके किसी जानने वाले का भाई है, गाड़ियों का शोरूम है उसका। ऐमन को इससे बढ़ के और कौन सा लड़का मिलेगा? समझने की कोशिश करो। इन लोगों की समझ होती तो क्या नहीं कर लेते। आसिम की समझ में कोई नहीं आता। ना आसिम अपने हालात बदलना चाहता है ना तुम लोगों के, बस ऐसे ही रखना चाहता है तुम लोगों को गुर्बत में। इनाम बेचारे तो उसका और उसकी बहन का भला ही सोच रहे हैं, और क्या। रहने दो आप ही, इन लोगों को किसी के भले की जरूरत नहीं है, ये बस बैठे बैठे यहीं बूढ़े हो जाएंगे अपनी हालतों में। तुम ही कुछ करो, और क्या हो सकता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है भाई? ठीक हूँ। कब आई? अभी। बड़ी प्यारी लग रही है। वो इनाम, चुप हो जाओ साइमा। अगर अभी तुमने कुछ भी बोला तो ये सब ऐशो इशरत की जिंदगी, ये घर, ये आसाइशें, ये सब छिन जाएंगी। बेहतरी खामोशी नहीं है, दी जाओ इस सब बात को, बंद कर लो आंखों को। जी जानू, कहें क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना लगवाती हूँ। अब खाना खिला दो। अच्छा जी, चल कोई नहीं, की हो गया, देख भी लिया तो क्या है। हाँ, क्या हाल है ऐमन, कैसी हो? आसिम भाई, मैंने नाम भाई को अभी किसी लड़की के साथ देखा है थोड़ी देर पहले। क्या? मैंने भी उसे एक लड़की के साथ देखा था। वो जिस भोंडे अंदाज में अपनी बीवी से मोहब्बत जताता है ना, वो नेचुरल नहीं है। अब समझ में आया कि क्या गेम खेल रहा है। ऐमन, तुम अपनी भाभी से कुछ मत कहना, वो इनाम भाई पे अंधा भरोसा करती है। बिला वजह हमें ये सब कह के अपनी जिल्लत नहीं करवानी, अल्लाह ताला उस मक्कार की असलियत खुद उनके सामने लेकर आएगा। ठीक है आसिम भाई, जैसा आप कहें। अल्लाह हाफिज। ओके। कैसी हो फायजा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारी तरफ ही ध्यान लगा रहता है कि तुम किस हाल में होगी, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हाल तो मत पूछे मैं, सारा दिन घर के काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, मेरा तो बस यही रोना है। हाँ हाँ जानती हूँ, बस तुम्हें बेहाने में ना जरा जल्दी कर दी मैंने, उसका नतीजा मैं भी भुगत रही हूँ और तुम भी। आसिम तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखता। बस करें अम्मी, जो होना था वो हो गया है, अब हर कोई आप ही की तरह खुशनसीब थोड़ी होता। सही कह रही हो, इनाम तो जान छिड़कता है उस पर, जबकि तुम साइमा से ज्यादा खूबसूरत हो, उसे तो तुम्हारी और कदर करनी चाहिए।
एक बात सुनो मेरी, उसकी इतनी जी हुजूरी मत किया करो। अपनी हैसियत तुमने उसके सामने खुद बनानी है, वरना वो तो इसी तरह सारी जिंदगी लापरवाह रहेगा। अच्छा तो कॉल मैंने इसलिए मिलाई थी तुम्हें कि इस इतवार तुम सब लोगों ने आना है, और वो पिछली दफा जो उसने जल्दी की थी ना घर जाने की आसिम में, इस दफा वो हरगिज ना करे ये हरकत, वरना मैं बहुत बुरा मनाऊंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है अम्मी, मैं जरूर आऊंगी और कोशिश करूंगी कि एक दो दिन आपके पास ही रुक जाऊं। अल्लाह हाफिज। पता नहीं कब सुधरेगी ये। सुन लिया तुमने, आज मेरा दामाद आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसकी पसंद की बने। भाई उसी के दम से तो सब कुछ है, बहुत ही नेक बच्चा है, मेरा तो इतना ख्याल रखता है कि दिल से दुआएं निकलती हैं उसके लिए। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ खाना कम लग रहा है, तुम ऐसा करो कि चिकन कढ़ाई भी बना लो। बाजी क्या फायदा खाना बनाने का, आप इतना खाना बनवाती हैं वो चखते भी नहीं है। अरे मेरा ख्याल है इनाम असाइमा आ गया, जाओ जाके तुम किचन में देख। हद होती है, इससे कोई मिलता है किसी से? अस्सलाम वालेकुम। इसकी जगह अगर इनाम होता ना तो गले लगाता मुझे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये देखो कल रात को हम डिनर पर गए थे, शहजादी लग रही मेरी बेटी शहजादी। भाई इनाम ने तो साइमा से कह दिया था कि मुझे तुम ना सीधे साधे कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जाओ अच्छे से कपड़े पहन कर आओ। देखा कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये रंग। हाँ जी अम्मी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप ही। अल्लाह पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। अरे हाँ याद आया, वो बंटी को क्लब छोड़ने गए हैं, मैच था ना उसका। बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर, सब इनाम को पहचानते हैं, और बंटी भी वैसे उस गैदरिंग में एडजस्ट हो गया है। वैसे फायजा कितना टोकना पड़ता है तुम्हें, कितनी बार तुमसे कहूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, ड्रेसिंग अच्छी किया करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। एक दो चक्कर लगा लिया करो पार्लर के, क्या हो जाएगा इसमें। अभी आपको आसिम का पता तो है, जरा ख्याल नहीं उन्हें मेरा, मैं तो जैसे उन्हें नजर ही नहीं आती। इनाम को तो भाई साइमा सीधी सादी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब उसको पुराने कपड़ों में देखता है ना फौरन जाके 10-12 जोड़े नए खरीद कर ले आता है। वैसे दिल का बहुत अच्छा है, पलकों पे बिठा के रखा हुआ है उसने अपनी बीवी को। छोड़े अम्मी ये नहीं सुधरेंगे। हाँ भाई ये नहीं सुधरने वाले, आ चल के बैठते हैं। भाई मैं तो चाह रही थी कि तुम लोग साइमा और इनाम से मिलकर ही जाते। नहीं अम्मी, अभी घर जाके शामी को होमवर्क भी करवाना है। जी भाई मेरा तो दिल था कि हम सब मिलकर आइसक्रीम खाने जाए। हाँ अच्छा प्लान है, क्यों आसिम चले? अम्मी नाराज हो जाएंगी। क्या हो गया? मैं लेकर चल रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरी गाड़ी में चलते हैं सब लोग। नानी सही कह रही है, लेट्स गो। देखा प्लीज आसिम। ठीक है आप सब इतना कह रहे हैं तो फिर चलते हैं, लेकिन आप आइसक्रीम मेरी तरफ से। अच्छा चलो भाई ठीक है, आइसक्रीम तुम्हें खिला देना, चले आ जाओ। आओ आ जाओ। ये लड़की कौन है इसके साथ? है? बेटा और लगीर। बेटा ये जी कौन है? ये है जी मेरी गर्लफ्रेंड।
क्या? ओ जीएफ आंटी जी, जीएफ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो चल रहा है यहाँ। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? गर्लफ्रेंड? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है तुम्हें? ना पकाए दिमाग अब इस वक्त, बात सुने मेरी। ये तो आपको मैं थद्दे देता हूँ नोटों के, ये हार देता हूँ तोले तोले के, ये प्लाट घर नहीं बनेगा इस मामले में पड़ी। आप समझ आई? तो दूर रहो इससे। अरे दिखावा छोटा मोटा सब करते हैं, क्यों दोस्त है? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आंटी मेरी सुने बात, ऐसे ही हूं मैं, रहना है तो बताएं, अपनी बेटी से भी पूछ लें, चेक कर लें, ठीक है? वरना मेरे पास कमी नहीं है, क्यों डार्लिंग? चलो हमने रहना ही नहीं इनके साथ, आ जाओ चलें बेबी। ये बात मैं पहले से जानता था और मैंने फायजा को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और मसलियतन फिर मुझे ये लगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए, क्योंकि इनाम की इज्जत और मर्तबा जो इस घर में है उसको चोट पहुंचेगी और आप लोगों को। बता ही देते मुझे, जिस मक्कारी से उसने हम सबको बेवकूफ बना के रखा उसका बदला तो मेरा अल्लाह ही ले सकता है उससे। अब तो अंधे हो गए थे उसके लिए, उसकी गलतियां में नजर ही नहीं आ रही थी। अब इस घर में नहीं रहूंगी और ना ही साइमा को रहने दूंगी। माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज्यादतियां की है। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें, आप मेरी माँ की जगह हैं, प्लीज। हाँ लेकिन बेटा होने के नाते गुजारिश है मेरी, अम्मी मैं नहीं चाहता कि साइमा का घर बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कि साइमा और आप इनाम को एक मौका और। अम्मी वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, जब तक आप चाहें तो आप हमारे घर रह सकती हैं। बाकी आप इस घर की बड़ी हैं, बेहतर फैसला आप ही कर सकती हैं, जो आपको ठीक लगे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। सच कहते हैं लोग, दिखावे की जिंदगी इससे बेहतर हकीकत की जिंदगी है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे।